हेलो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स चैप्टर के अंदर, वो है प्रोडक्ट इन वेक्टर्स। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा, मैंने आपको ये सिखा दिया कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक नंबर को एक वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं सिखाया कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़ एंड दिस वीडियो स्पेशली वेरी केयरफुली। ओके बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो बेटा देखो, जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के अंदर, बेटा तीन तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, तीन तरह के प्रोडक्ट प्रेजेंट है वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है उसका नाम है बेटा डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट वन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड वन को बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी ये वाला जो टॉपिक है, अभी इन्होंने डिलीट कर दिया है इस टॉपिक को सिलेबस में से। ठीक है, तो अभी ये वाला टॉपिक तो हम नहीं स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो फिजिक्स के अंदर है, ये यूज़ होता है। फिजिक्स के अंदर तीनों टॉपिक यूज़ होते हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, आपने इसको मैथमेटिक्स के अंदर अभी नहीं स्टडी करना, क्योंकि ये सिलेबस का एक डिलीटेड पोर्शन है, उसमें ये टॉपिक है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ऐसा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, पहले बात करते हैं कि इनको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात और है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर एट ए टाइम दो वैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी एट ए टाइम दो वेक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एक टाइम पे तीन वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ये पहली बात जो माइंड में रखने वाली है, ठीक है, इस बात को माइंड में रखना। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब डिनोट कैसे करते हैं डॉट को, क्रॉस को, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। कैसे पता चलेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है? तो सपोज़ कर लो कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक है स्मॉल ए, ठीक है, एक है स्मॉल बी वेक्टर है, और एक है मेरे पास स्मॉल सी वेक्टर। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट को आपने मतलब बिल्कुल लाइट सा नहीं मार्क करना, थोड़ा सा डार्क मार्क करना है, ताकि जिसने हमारा पेपर चेक करना है, एग्जामिनर को दूर से नज़र आए कि ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे उसको डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी, तो बेटा क्रॉस का साइन डालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, उसमें क्या आता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए वैक्टर डॉट ब्रैकेट स्टार्ट बी क्रॉस सी वैक्टर। तो इसके अंदर तीन वेक्टर्स आएंगे, दोनों तरह के प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं, डॉट भी आता है और क्रॉस भी आता है। ब्रैकेट आपने अब वहाँ पे डालनी है जहाँ पे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट मेंशन है। ठीक है, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, आप इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी डाल सकते हो, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, और चाहो तो आप कॉमा मत ना भी डालो तो भी चलेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। थोड़ा सा आपने स्पेस बीच में छोड़ देना है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको डिनोट करने का ये वे है, क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करने का ये वे है, और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको डिनोट करने का बेटा ये वाला वे है। ठीक है, अभी जो डॉट प्रोडक्ट है उसका एक और भी नाम है, उसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह से बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका भी एक और नाम है, उसको बेटा हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर क्यों बोलते हैं या स्केलर क्यों बोलते हैं, इनका खास एक रीज़न है, वो मैं आगे जाके एक्सपोज करूँगा, अभी नहीं एक्सपोज करूँगा आपके सामने। ठीक है, तो अभी टर्न बाय टर्न मैंने
दोनों को स्टडी करना है। पहले बेटा मैं डॉट को स्टडी करूँगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका क्या मेथड है, क्या उसके जो स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ओके बच्चे, तो डॉट के जो स्टैंडर्ड रूल हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डॉट प्रोडक्ट पहले इसको हाईलाइट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अभी क्या मीनिंग है कम्यूटेटिव का? ऐसा है कि बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनमें कोई फर्क नहीं है। जो मेरे को वैल्यू मिलेगा ए डॉट बी का, सेम वैल्यू मेरे को बी डॉट ए का मिलेगा। मतलब कि अगर आप वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हो, इनकी पोजीशंस को चेंज करते हो, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर पोजीशंस मतलब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे आंसर मिलेगा सेम आंसर मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप अपनी मर्जी से पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हो, तो इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा बेटा क्या है, ऐसा है दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर आप सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे सेम वेक्टर के साथ, ठीक है, सेम वेक्टर का बेटा, आप सेम वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करोगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आएगा बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी ज़्यादा यूज़ होएगी क्वेश्चंस के अंदर, तो प्लीज़ आप इस प्रॉपर्टी को अपने माइंड में रखना। इसका मैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन आपके सामने रखता हूँ। अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, एक्स प्लस वाई वैक्टर डॉट एक्स प्लस वाई वैक्टर, ठीक है, दो वेक्टर्स थे मैंने उनको ऐड कर दिया। अभी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर में तो एक मेरे को एक वेक्टर ही मिलेगा, तो ये एक वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर बना कैसे है? जब मैंने एक्स वेक्टर में वाई वेक्टर को ऐड किया, तो अभी सेम वेक्टर का मैं सेम वेक्टर के साथ बेटा डॉट कंसिडर करूँगा, डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करूँगा। तो रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा? ये जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आएगा। तो प्लीज़ आप इस प्रॉपर्टी को, ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना, ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप। बेटा इनका आंसर क्या आता है? वन आता है। देखो आई जे के क्या है, आई जे के आपको मालूम है कि दे आर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। सो आई डॉट आई भी वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है। आप प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। इसी तरह से बेटा आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, इनका आंसर क्या होता है बेटा? इनका आंसर जीरो के इक्वल होता है। तो प्लीज़ आप, ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, इनको प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना, ठीक है, ये आपके काम आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने ना, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर है मेरे पास, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसी तरह से एक मेरे पास बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अभी मैंने क्या करना है बेटा, मैंने ना ए डॉट बी निकालना है, मतलब मैंने ए वेक्टर का बेटा बी वेक्टर के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करना है। तो कैसे करना है, बड़े ध्यान से सीखना, बड़ा आसान है, ठीक है। तो करना क्या होता है बेटा, जब कभी भी मेरे को दो वेक्टर्स गिवन हो और मैंने उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो करना क्या है कि जो आई वाला कंपोनेंट है उसको आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब बेटा मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, इन बिटवीन आएगा प्लस का साइन। इसी तरह से जे वाले कंपोनेंट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा जे वाले कंपोनेंट के साथ, सो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बीच में प्लस का साइन आएगा। सिमिलरली बेटा जो के वाला कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे के वाले कंपोनेंट के साथ,
तो जब कभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 12, देन -12, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, -24 और +6, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा -18। ठीक है, तो अभी देखो ये मेरे पास इस तरह से बेटा मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का। दूसरी बात ये है कि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि बेटा जब कभी भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो जो एक आंसर मिलेगा आपको वो एक नंबर मिलेगा। कभी भी याद रखना कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर कभी भी वेक्टर नहीं आता, उसका आंसर हमेशा एक नंबर आता है। तो नंबर को हम स्केलर बोलते हैं, तो इसलिए बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आप बी डॉट ए निकालिए, उसका आंसर भी बेटा आपके पास -18 आएगा। तो आप ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो बी वेक्टर है उसको पहले लिखना है, जो ए वेक्टर है उसको बाद में लिखना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, याद रखना हमेशा आई वाले को आई वाले के साथ करना है, प्लस जे वाले को जे वाले के साथ करना है, प्लस के वाले को बेटा के वाले के साथ करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अभी नेक्स्ट मैं बात करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो प्लीज़ इसको याद रखना। ओके बच्चे।